खुश आमदीद कहता हूँ मैं आपको आज की इस क्लास में, जहाँ मैं आपको सिखाऊंगा कि एक रास्टर इमेज को वेक्टर कैसे बनाते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं स्ट्रोक को सिलेक्ट करूँगा और फिल को कैंसिल करूँगा, और यहाँ से मैं अपना कलर चेंज करूँगा। स्ट्रोक का जो मेरा कलर है उसको मैंने चेंज कर लिया। और हमारी इमेज का ये जो फेस है इसको हम रीड्रॉ करेंगे। सो हमारी इमेज का जो फेस है वो बिल्कुल रेडी है। इसको मैं फिल कर दूंगा। तो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। शेप का हमें थोड़ा ध्यान रखना होगा क्योंकि शेप में कर्व ज़्यादा हैं।
सो हमारी इमेज के जो हैंड्स हैं वो भी कंप्लीट हैं। इसको मैं फिल करने से पहले मैं इसके जो अंदर का जो ये डिज़ाइन है इसको मैं रिड्रॉ करूँगा। इसका मैं यहाँ से स्ट्रोक और बढ़ा देता हूँ। तो ये परफेक्टली ये बन चुका है। इसको मैं ब्रिंग टू फ्रंट कर देता हूँ और जो इसका हैंड है इसको मैं फिल कर दूँगा। तो अब बारी है हमारी नेक्स्ट शेप की, तो उसके लिए मैं दोबारा से यहाँ से कलर चेंज करूँगा।
हमारी इमेज जो है वो तकरीबन कंप्लीट है, तो अब चलते हैं इसके फाइनल पार्ट की तरफ। तो उसके लिए मैं दोबारा से यहाँ से कलर सेलेक्ट करूँगा, तो इसका जो हम फाइनल पार्ट है हम उसको रीड्रॉ करेंगे। हमारे इमेज की जो ये बॉडी है वो भी कंप्लीट है, तो अब मैं इसको फिलअप कर लेता हूँ, और जितनी भी हमारी जो ये शेप है वो छुप गई है, तो उसको मैं ब्रिंग टू फ्रंट करूँगा। सो हमारा लोगो जो है वो बिल्कुल रेडी है, तो अब मैं इसमें कलरिंग कर लूँगा। तो इमेज को पहले एक्सपेंड करा लेते हैं, तो सेलेक्ट करेंगे सेम फिल स्ट्रोक। सो हमारी इमेज जो है वो बिल्कुल तैयार है, ये रास्टर से वेक्टर ये बिल्कुल इमेज रेडी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।